इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। मध्य प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 8% डीए और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट जाने। मप्र के 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को केंद्र से 8% कम मिल रहा डीए। हर महीने हो रहा 1200 से 16000 तक का नुकसान। मध्य प्रदेश में 12 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी और पेंशनर्स को अब केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले 8% कम महंगाई भत्ता डीए मिल रहा है। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर अब 50% हो गया है। वहीं प्रदेश के कर्मचारियों को 42% ही महंगाई भत्ता मिल रहा है। इससे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को 1200 रुपए से लेकर 16000 रुपए तक नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया है। अब राज्य सरकार पर महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रेशर बढ़ गया है। कोरोना में केंद्र के मुकाबले 20% कम हुआ था भत्ता। प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय में कोरोना के दौरान रोका गया था। तब सरकार ने कर्मचारी व अधिकारियों को महंगाई भत्ता और इंक्रीमेंट देने पर रोक लगाई थी। इससे केंद्र से 20% कम महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों को मिल रहा था। कोरोना से उबरे तो शिवराज सरकार ने मार्च 2022 में कर्मचारियों को 11% डीए देने का आदेश जारी किया था। इसके बाद 5% और फिर 4% डीए दिया गया था। जनवरी 2023 में 4% महंगाई भत्ता मिलने के पश्चात केंद्र सरकार के बराबर हो गया था। जनवरी 2023 के बाद प्रदेश के कर्मचारियों व अधिकारियों का डीए नहीं बढ़ाया। इस बीच केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके बाद केंद्र की तुलना में राज्य के कर्मचारियों के डीए का अंतर 4% हो गया था। आचार संहिता प्रभावी होने से पहले 8% महंगाई भत्ता राहत की मांग। जागरण संवाददाता भोपाल। केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत 4% बढ़ा दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कर्मचारी 8% से पिछड़ गए हैं। उन्हें राज्य सरकार ने जुलाई 2023 से दिए जाने वाला महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत नहीं दी है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों में नाराजगी है। वे कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने से पहले राज्य सरकार जुलाई 2023 और जनवरी 2024 से 4-4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के आदेश जारी करे। बता दें कि प्रदेश में 7.50 लाख सेवारत और 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने गुरुवार को फिर से 4% महंगाई भत्ता राहत की घोषणा की है। इससे मन के कर्मचारी 8% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से पीछे हो गए हैं। तिवारी ने कहा कि केंद्र द्वारा कार्यरत एवं सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को महंगाई का सामना करने के लिए समय समय पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत न देकर करोड़ों रुपए बचाए जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और राहत दी थी, किंतु जुलाई 2023 से मिलने वाला 4% महंगाई भत्ता 9 महीने से नहीं मिलने से केंद्र के सामान महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देने की मांग। भोपाल। केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत 4% बढ़ा दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कर्मचारी 8% से पिछड़ गए हैं। उन्हें राज्य सरकार ने जुलाई 2023 से दिए जाने वाला महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत नहीं दी है। इसके चलते उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने से पहले राज्य सरकार जुलाई 2023 और जनवरी 2024 से 4-4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के आदेश जारी करने की मांग की है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि प्रदेश में 7.5 लाख सेवारत और 4.5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। इन्हें जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत अभी तक नहीं दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने गुरुवार को फिर से 4% महंगाई भत्ता राहत की घोषणा की है, जिससे मप्र के कर्मचारी 8% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से पीछे हो गए हैं।
श्री तिवारी ने कहा कि केंद्र द्वारा कार्यरत एवं सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को महंगाई का सामना करने के लिए समय समय पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत न देकर करोड़ों रुपए बचाए जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और राहत दी थी, किंतु जुलाई 2023 से मिलने वाला 4% महंगाई भत्ता 9 महीने से नहीं मिलने से कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई बराबर है तो महंगाई भत्ता क्यों नहीं? संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जुलाई 2023 से 4% एवं जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता और राहत देने के आदेश शीघ्र प्रदान जारी करने की मांग की है। केंद्र के सामान महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देने की मांग। भोपाल, देशबंधु। केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत 4% बढ़ा दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कर्मचारी 8% से पिछड़ गए हैं, उन्हें राज्य सरकार ने जुलाई 2023 से दिए जाने वाला महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत नहीं दी है। इसके चलते उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने से पहले राज्य सरकार जुलाई 2023 और जनवरी 2024 से 4-4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के आदेश जारी करने की मांग की है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि प्रदेश में 7.5 लाख सेवारत और 4.5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। इन्हें जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत अभी तक नहीं दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने गुरुवार को फिर से 4% महंगाई भत्ता राहत की घोषणा की है, जिससे मप के कर्मचारी 8% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से पीछे हो गए हैं। श्री तिवारी ने कहा कि केंद्र द्वारा कार्यरत एवं सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को महंगाई का सामना करने के लिए समय समय पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत न देकर करोड़ों रुपए बचाए जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और राहत दी थी, किंतु जुलाई 2023 से मिलने वाला 4% महंगाई भत्ता 9 महीने से नहीं मिलने से कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई बराबर है तो महंगाई भत्ता क्यों नहीं? संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जुलाई 2023 से 4% एवं जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता और राहत देने के आदेश शीघ्र प्रदान जारी करने की मांग की है। केंद्र के सामान महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देने की मांग। भोपाल, देशबंधु। केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत 4% बढ़ा दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कर्मचारी 8% से पिछड़ गए हैं, उन्हें राज्य सरकार ने जुलाई 2023 से दिए जाने वाला महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत नहीं दी है। इसके चलते उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने से पहले राज्य सरकार जुलाई 2023 और जनवरी 2024 से 4-4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के आदेश जारी करने की मांग की है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि प्रदेश में 7.5 लाख सेवारत और 4.5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। इन्हें जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत अभी तक नहीं दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने गुरुवार को फिर से 4% महंगाई भत्ता राहत की घोषणा की है, जिससे मप के कर्मचारी 8% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से पीछे हो गए हैं। श्री तिवारी ने कहा कि केंद्र द्वारा कार्यरत एवं सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को महंगाई का सामना करने के लिए समय समय पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत न देकर करोड़ों रुपए बचाए जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और राहत दी थी, किंतु जुलाई 2023 से मिलने वाला 4% महंगाई भत्ता 9 महीने से नहीं मिलने से कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई बराबर है तो महंगाई भत्ता क्यों नहीं? संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जुलाई 2023 से 4% एवं जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता और राहत देने के आदेश शीघ्र प्रदान जारी करने की मांग की है। 75 लाख कर्मचारियों को 8% डीए का इंतजार प्रत्येक माह उठाना पड़ रहा है, 1200 से 16000 रुपए का नुकसान इसलिए। भोपाल, प्रदेश के कर्मचारियों को डीए का इंतजार है। केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले यह अंतर 8% का है।
इसके कारण 7.5 लाख कर्मचारी अधिकारियों को हर महीने 1200 रुपए से लेकर 16000 रुपए तक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसको देखते हुए कर्मचारियों ने निर्वाचन आचार संहिता लागू होने से पहले इसे देने की मांग की है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत प्रदेश के 7.50 लाख कार्यरत एवं 4.50 लाख सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 4% महंगाई भत्ता राहत की घोषणा कर दिए जाने के बाद यह अंतर 8% तक बढ़ गया है। इस आर्थिक नुकसान को देखते हुए कर्मचारियों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। इनका आरोप है कि अफसरों को तुरंत भत्ता मंजूर कर दिया जाता है और कर्मचारियों को मिलने वाली भत्ते की राशि रोक कर रखी जाती है। कर्मचारी इसलिए भी नाराज, लाडली बहना की चिंता पर कर्मचारियों की अनदेखी। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि महाशिवरात्रि एवं होली का त्योहार लाडली बहनें खुशी से मना सके, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने हर महीने की 10 तारीख को दिए जाने वाला पैसा 1 मार्च को ही उनके खाते में पहुंचा दिया गया, बावजूद इसके कर्मचारियों को नजरअंदाज किया गया। बजट प्रावधान के बाद भी लंबित है बकाया। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अशोक पांडेय ने कहा कि सरकार ने विधानसभा के लेखा अनुदान सत्र के दौरान कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के लिए बजट का भी प्रावधान किया था, इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दिया। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि आदेश तत्काल जारी किए जाए, अन्यथा कर्मचारी मंच आंदोलन करने का निर्णय लेगा। इसलिए गरमाया मामला, प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 50% हो गया है। वहीं राज्य के 12 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी और पेशनसी के मामले में ये 42% से अधिक नहीं है। इससे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को 1200 रुपए से लेकर 16000 रुपए तक नुकसान हो रहा। 2.5 लाख कर्मचारी कराएंगे लोकसभा चुनाव, अब नहीं होंगे तबादले। भोपाल लोकसभा का चुनाव 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी कराएंगे, इन्हें मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाएगा। प्रदेश में 64,523 मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4-4 कर्मचारी लगते हैं। जिला प्रशासन ने इन कर्मचारियों को चिन्हित भी कर लिया है। चूंकि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसलिए अब इन कर्मचारियों के 64,523 मतदान केंद्रों पर 4-4 के हिसाब से तैनात बैक होंगे कर्मचारी, तबादले नहीं होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि 10% कर्मचारी मतदान दल में अतिरिक्त रखे जाएंगे ताकि आकस्मिक स्थिति बने तो व्यवस्था हो जाए। मतदान दल के अतिरिक्त 15 से 16 हजार अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट, उड़न दस्ते आदि के रूप में रहेंगे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अतिरिक्त राज्य का विशेष सुरक्षा बल, जिला पुलिस बल, होमगार्ड और विशेष पुलिसकर्मी भी तैनात होंगे। चुनाव आयोग के माध्यम से केंद्रीय अर्धसैनिक बल की मांग केंद्र सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। सभी जांच एजेंसियों को जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त कर जांच अभियान तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी चुनाव की घोषणा के साथ काम प्रारंभ कर देगा।